तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो है वो आपको मैं ये बताऊंगा कि अभी जो पीटीए ने पबजी बैन किया है तो उसको हम बाईपास कैसे करेंगे। मतलब पबजी ने पीटीए वालों ने जो है वो पबजी बैन किया है कुछ रीज़न्स पे, कि सुसाइड वगैरह हो रहे थे और ये बहुत वायलेंट हो रहा था ये गेम। अब सीन कुछ यूँ है कि यहाँ पर मुझे जितना सुनने में आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे हैं कि भाई उनके किसी के पास चल रहा है, किसी के पास नहीं चल रहा, और किसी के पास गेम ओपन हो जाता है लेकिन जब वो मैच स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लोडिंग भी होती है बाकायदा, लेकिन वो लोडिंग एंड नहीं होती। मतलब वहीं पे स्टक हो जाता है गेम और वो गेम आपको मतलब ये बोलता है कि मैच सर्वर टाइम्ड आउट, रीस्टार्ट द गेम। तो उस पर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो भाई इस पर इशू जो है, मैंने जो है बहुत ट्राई करी और अभी जो मुझे हल मिला है वो बेहतरीन हल ही मिला है और वर्क भी कर रहा अच्छे तरीके से। इस पर मैंने कंटिन्यूसली खेला है बाकायदा, तो नो इश्यूज़, सही चल रहा है। देखते हैं फिर ये कब तक चलती है। तो आपको पहले तो यूज़ करना है वीपीएन। अब वीपीएन कोई भी हो, वीपीएन एक्स वाई जेड कोई भी हो, आप लोग कोई भी यूज़ कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप वीपीएन पे कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, ईटीसी, जो भी। तो इस पे जो है गेम बहुत डिपेंड करता है कि आपकी पिंग क्या आ रही है। मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली विंडस्क्राइब। अब विंडस्क्राइब पे ये होता है कि इधर मुझे फ्री मिलते हैं 9.99 GB अभी मिले हुए, और ये जो GBs आपको मिले हुए हैं ये मतलब नहीं है कि जैसे हम डेटा यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये वैसा नहीं है। आप पबजी इस पर जितना भी खेलें ये डेटा कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ आपको ऐसे शो कर रहा है। अच्छा, तो आप अब यहाँ पे मैंने जो है वो हर्ट में डाले हुए, मतलब फेवरेट्स में डाले हुए पेरिस और फ्रैंकफर्ट, जो कि एक तो फ्रांस का है और दूसरा जर्मनी का है। अब यहाँ पर आ जाएँ तो ये एक सर्वर है जर्मनी का और एक फ्रांस का। अब मैं जो कनेक्ट करके खेल रहा था अभी, तो मैं खेल रहा था फ्रैंकफर्ट और इस पे पेरिस पे। ये दोनों सर्वर जो है अभी बेहतरीन चल रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, यूएसए और कनाडा पे इसलिए नहीं खेला जाता, मतलब खेलने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर जो है इस पे पिंग हाई आती है, ठीक है। और पिंग हाई आने का जो इशू है वो यूएसए पे ऐसा है कि आप गेम रन भी नहीं कर पाते, बहुत लैग होता है। अब फ्रांस और जर्मनी पे क्या है बात, फ्रांस और जर्मनी भी पिंग हाई आती है, 400 आती है, 500 आती है, यही होती है। इसको कम कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। अब मैं यहाँ पे जैसे आपके सामने जर्मनी फ्रैंकफर्ट ये कनेक्ट कर लेता हूँ और ये कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा वेट कीजिएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑन आ गया, मतलब कनेक्ट हो चुका है और आईपी भी हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आईपी चेंज हो गई, ये बाकायदा कनेक्टेड आ रहा है। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे नहीं, मिनिमाइज़ करेंगे, और मिनिमाइज़ करने के बाद हम करेंगे हमारा गेम रन। अब ये गेम हमारा ऑन हो रहा है। असल में ये पार्ट स्किप में वाला पार्ट में स्किप कर देता, लेकिन मुझे ये भी दिखाना है कि लोडिंग के वक्त या आगे कुछ भी कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अभी चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है, ये यहीं पर एंड हो जाएगा अभी। ये इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा इंटरनेट कितनी स्पीड के साथ यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वीपीएन आपने कौन सा लगाया हुआ है और सर्वर्स कितने अच्छे हैं उसके। मैं तो आपको सजेशन ये करूँगा कि जर्मनी और फ्रांस ही यूज़ करें, और हो सकता है
फेस करने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही आप लोग अपना गेम रन करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बता दें कि भाई ये मसला हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम फेस करने की। सही है भाई, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।